ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं क्यू बेसिक, जो कि आज आप ये लास्ट चैप्टर है आपका, इसके बाद आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्यू बेसिक से। क्यू बेसिक क्या होता है? क्यू बेसिक को हम लोग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। क्यू बेसिक एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्विक बिगिनर एंड ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, डेवलप्ड एनवायरनमेंट एंड इंटरप्रेटर फॉर वैरायटी ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर बेस्ड ऑन क्यू बेसिक। इन 1964 जॉन जी कैमेने एंड थॉमस ईकर डिजाइन द ओरिजिनल बेसिक लैंग्वेज। ये लोग इसको डिजाइन किए हैं, ठीक है। ये दो बच्चे हर बार की तरह क्या बात कर रहे हैं, ये हम लोग देखना है, देखते हैं। हाय डेविड, डू यू नो व्हाट इज क्यू बेसिक? डेविड, क्या तुम जानते हो क्यू बेसिक क्या होता है? तो बोलता है, नो सेफिया, दिस टर्म इज वेरी न्यू टू मी, ये नहीं जानता हूँ, बहुत नया है ये शब्द मेरे लिए। डोंट वरी डेविड, इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट अ प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस। तो अपने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर होता है, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? इंस्ट्रक्शन गिवन बाय अस, जो इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। यस सोफिया हैव लर्न दैट, हाँ ये तो पढ़ा हूँ। ओ सोफिया, आई फील सो इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो डेविड बोलता है कि हाँ, क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं। तो यस डेविड, इट इज ए सिंपल, ये एक आसान और ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बिगनर्स के लिए है, जो नया नया सीखते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्यू बेसिक। व्हेन वी कम्युनिकेट विथ ईच अदर, जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो हम लोग कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिससे सामने वाले को समझ में आए। तो वैसे ही कंप्यूटर को समझने के लिए भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है हमारी लैंग्वेज तो समझता नहीं है, उसे एक लैंग्वेज चाहिए होता है, वो लैंग्वेज जो वो समझता हो। तो वो क्या है? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? वो इंस्ट्रक्शन होता है जो हम लोग देते हैं, ठीक है। जब आप प्रोग्राम बनाने लगेगा तो आपको प्रोग्रामर कहा जाएगा। तो वही आप प्रोग्रामर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को कि कंप्यूटर तुम ये करो ये करो ये करो, तो वो उसको फॉलो करता है, तो उस तरीके से वो समझता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पास्कल, कोबाल, फोर्टन, ये सब है, ठीक है। क्यू बेसिक का जो फुल फॉर्म है वो क्यू से स्टैंड होता है और बेसिक से बिगनर ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। याद रहेगा क्यू से क्विक और बेसिक से बिगनर ऑल सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी कि ये बिगनर्स के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जब आप सीखिएगा तो आपको आइडिया होगा कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जिससे कि जब आप आगे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिएगा तो आपको उससे बहुत आइडिया होगा, ठीक है। ये एक सिंपल और आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके जो है विजुअल बेसिक और पावर बेसिक होते हैं। इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या है? हम लोग स्टार्ट पे जाएंगे, वहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे qbasic.exe और जब ओपन करेंगे तो एक एमएस डॉस प्रॉम्प्ट वैसा आ जाएगा, ठीक है, एक स्क्रीन आ जाएगी, क्यू बेसिक की विंडो अपीयर हो जाएगा। तो वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसी पर हम लोग क्या करेंगे? क्यू बेसिक की प्रोग्रामिंग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।